नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएम मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, मैंने कहा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा भेजें, यदि आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमारा मनोबल भी नहीं बढ़ेगा, मनोबल नहीं बढ़ेगा तो अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। यदि आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो हम अच्छे इससे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे अपने आप, ठीक है। जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वही हम क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। जो एस एस सी में आए हुए क्वेश्चन वही बता रहे हैं आपको। आप सोचो भाई ये क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं, ये एस एस सी क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हो कहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगला, देखो लाभ और हानि। हम अगले अगले टाइप फर्स्ट पे देते हैं, टाइप फर्स्ट लाभ हानि, लाभ लॉस और प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब लाभ हानि क्या चीज़ है, देखो लाभ 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 बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस करे मूल्य, ठीक है। अब विक्रय मूल्य माइनस करे मूल्य, ठीक है। तो अब देखो लाभ प्रतिशत, ये आपके टॉपिक बीच में आएंगे आपको, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, कितना लाभ हुआ वो लिख दो। हमेशा लाभ होता है करे मूल्य में, हमेशा लाभ किस होता है करे मूल्य, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। अब करे मूल्य निकालो तो लियो इसमें विक्रय मूल्य में लाभ उठा दो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य और करे मूल्य समझाता हूँ। विक्रय मूल्य और करे मूल्य क्या होता है, देखो मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, इसको मैंने बेच दिया 102 रुपये, 102 रुपये में मेरे पास 100 रुपये की चीज़ थी सर, इसको मैंने बेच दिया 102 रुपये। तो ये 102 रुपये ना, ये तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, ये तो मेरा विक्रय मूल्य हो गया, और जो ये था मेरा करे मूल्य, समझो मैंने किसे खरीदा और फिर मैंने किसको बेचा। ये मेरा डस्टर है, मैंने डस्टर दुकान से खरीदा और मैं ये आपको बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो ये करे मूल्य हो गया, और आपके लिए, मेरे लिए मैंने खरीदा ये मेरे लिए करे मूल्य, मैंने इसको बेचा ये मेरे लिए विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य बेची जाती है, करे मूल्य में खरीदी जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, चलो सुनना आएगा इसका क्या बैठ कर। क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखो, वैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों कि एक साड़ी 19,000 में बेची जाती है, जाती है 19,000 में बेची जाती है, तो उस पर 15% की 15% का लाभ होता है। देखो दोस्तों यहाँ हमारे परसेंटेज प्रश्नवाली काम आएगी, यहाँ हमारी परसेंटेज प्रश्नवाली कैसे काम आएगी। 15 मान लो हांडी का मूल्य हमारे हिसाब से 100 रुपये था, कितना रुपये था, 100% था, ठीक है। इसलिए 15% माइनस बेच दिया, लाभ होता है 15% का लाभ होता है, एक साड़ी 19,000 बेची जाती है तो उस पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, तो साड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए या करे मूल्य ज्ञात कीजिए, करे मूल्य या मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो हमारे साथ 150% है, मैंने इसको 15 लाख पर भेज दिया, कितने पर, 15 लाख पर, तो 115 बराबर 19,000, तो 1% बराबर हो गया 19,000 बटे 15, 115
अब मेरे को 100% कहाना, क्योंकि इस साड़ी का मूल्य 100% था, तो सिर्फ साड़ी का प्रारंभिक या पहला मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 15 × 100, ठीक है। तो देखो इसको काटते 5 से, 5 × 10 5 × 15, इसको हम काटते 20 पर, इसको इंटू करवा दिया हमने, इंटू करवाने पे दो यहाँ से देखो 0 0 0 0 38/23, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे, 23 से भाग देंगे, ठीक है। तो 23 का भाग जाएगा इसमें लगभग 1 पर जाएगा, 1, ठीक है। फिर 6 पर जाएगा, ठीक, 6 पर जाएगा, फिर 20 पर जाएगा, 5 पर, फिर जाएगा 5 पर, फिर लगभग चल जाएगा ये 6 ऐसे, मतलब लगभग 0.5, फिर लगभग आएगा 16,565 पॉइंट कुछ रुपए आएगा सारी मॉडल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये मान लो, एक कार, मेरे पास एक कार है, मैं उस कार को बेचता हूँ, मैं उसको बेचता हूँ 2,50,000 की। कितनी बेचती हूँ? 2,50,000 की, 2,50,000 की मेरी कार बेचती, ठीक है। तो इस कार पर मुझे, तो मुझे इस कार पर 25% का लाभ हुआ, तो मुझे इस कार पर 25% क्या हुआ, लाभ हुआ। इस कार पर 2,50,000 बेचने पर मुझे इस कार पर, जैसे मान लो 10% 25% का लॉस हुआ, क्या हुई, हानि होगी, 25% की हानि होगी। अब मैं इस पर मुझे कमाना है 50% लाभ, क्या कमाना मुझे 50% लाभ, तुम इसे कितने बेचो, ठीक है, कि मुझे 50% लाभ हो जाए, 25% की हानि या 25 का लाभ। मैंने कार बेची, कार बेची तो मुझे 25% की हानि हुई, अब मैं 25% का उस पर लाभ कमाना चाहता हूँ, मुझे हानि हो गई, अब मैं उसे 25% लाभ कमाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बेच, 100 की मेरी कार थी, 100% मेरी कार थी, मैंने इसको 25 लॉस में बेच दिया, -25 में, यानी मैंने 75 125 से, ठीक है, 25 × 75 55, ठीक है। तो ये हो गया 125, इसमें देखिए 3 पर पार, 4 हो गया, 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 और 2 × 6, 6 3 × 3, 2 × 6, 4,16,600 रुपए की बेचूंगा ना, तब जाके मेरे को 4,16,000 लगभग 4,16,000
4,16,066 तब जाके मेरे को क्या होगा, 666 बेचो तब मेरे को लाभ होगा 25%। ठीक है दोस्तों, आगे चलो, आगे अगला टाइप देखते हो। अब एक क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 किलो चावल, 30 केजी चावल 70 रुपए में बेचे, 30 केजी चावल 70 रुपए में बेचे, और 20 केजी चावल, 20 केजी चावल, ये चावल 20 केजी चावल उसने बेचे 70.75 में, 70.75 में, 70.75 में। अब वो क्या करेगा, अब वो इन दोनों चावल को एक जगह करेगा तथा इन दोनों चावल को एक जगह करके वो इसको बेचेगा 80.85 में, 80.50 में, 80.50 रुपये पर केजी, रुपए पर केजी बेचेगा, पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, समझो। दो प्रकार के चावल, दो टाइप के चावल थे मेरे पास, क्या थे, दो टाइप के चावल थे। एक चावल में 30 किलो चावल थे, उनको बेचा 70 रुपये, दूसरा 20 किलो। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मिक्स कर लिया, मैं 80.1, 50 किलो चावल, 50 केजी चावल को बेचता हूँ 80 रुपये, 80.50 रुपये पर केजी। तो इसमें लाभ होगा हनी वो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इनका टोटल मूल्य निकालते हैं, टोटल मूल्य होगा 30 × 70, तो ये हो गए 221 रुपये, 221 रुपये हो गए। ठीक है, 21 रुपये, ये तो 21 रुपये बेच दिए इसको, ये देखो 0, 0, 14, 14, 2 बार 2, ये बेच दिए इसने 1414 रुपये में, 1414 रुपये में, 1414 रुपये में। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलो, 1414 रुपये बेच दिए। अब ये क्या कर रहा है, वो 10 1 5 है, ये टोटल मूल्य होगा, यानी इसने कितने रुपए कमाए, देखो 2100 और 1415, तो 5, 1, 5 और 3, यानी कि 3515 रुपये में इसने बेच दिए। लेकिन अब देखो 50 रुपये इसको बेच रहा कितने में, 80.50 में, काट दो दोस्तों 0, 0, ठीक है 80.50 है। ठीक है, 25 8 40, 2 5 1, यहाँ 2 लगा 2 5 2, ये हो गए 4025 रुपये। बताओ किस में लाभ हुआ, किस में हानि, कितने में बेच रहा था, 3515 में, और यहाँ बेच रहा 4025 में, निकालो दोनों में से माइनस। ठीक है, 510 रुपये का लाभ हो गया, कितना हो गया 510 रुपये का, उसे क्या हो गया लाभ, 510 रुपये का लाभ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने ऐसे मान लो, मैंने एक, मैं एक कंप्यूटर बेच रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर बेच रहा है, मैंने उस कंप्यूटर के अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित कर दिया, मैंने उसके मूल्य से 20% उसमें ज़्यादा अंकित कर दिया, 20% ज़्यादा अंकित कर दिया, और उस पर फिर मैंने उसको 15% छूट दे दी,
क्या कर दिया मैंने, पर्स मतलब छूट दे दी। समझो इस क्वेश्चन को कि मेरा 100 रुपये का लैपटॉप था, मैंने इसके ऊपर दिए 120 रुपये, मैंने इस पे क्या दिए 120 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 120 से 15 की छूट दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 120 से 15 की छूट दे रहा हूँ कि भाई मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ 85 में। भाई तो 120 बेच रहे, इधर तो 120 बेच रहे, तो उसका मूल्य देखो कंप्यूटर का मेन मूल्य क्या होगा, 1% बराबर 120 बटे 85, तो 100% बराबर 120 बटे 85 इंटू 100, ठीक है, तो 70.85। मैं क्या कर रहा हूँ, 20 रुपए ज्यादा अंकित कर रहा हूँ, फिर उस पर देता हूँ 15% की छूट, यानी कि मैंने 100 का था उसमें 120 अंकित कर दिए, ठीक है। अब मैं इस पे दे रहा हूँ 15% छूट, यानी पीछे से बेच ही रहा हूँ ना उसको, पीछे से तो बेच रहा हूँ, तो 5, 2, 17 तो मैं उसको फिर भी मेरे को 2 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या क्या है वो देखो। एक किताब पे 320 रुपये अंकित है, अंकित मतलब एमआरपी, एमआरपी देखो। अब तुम्हें दुकानदार कहेगा कि 22 पे है तेरे को 20% छूट, क्या है इस पे 20% छूट, तो तुम्हें किताब कितने रुपए मिलेगी, 320 इंटू 80 रुपये, परसेंटेज में 80 मिलेगी, सो दो 256 रुपये की तुम्हारी किताब हो गई, 200 करोड़ में तुम्हें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है कि एक गाय को 20% हानि पर 48 रुपये बेच जाता है, बेचा जाता गाय का क्रय मूल्य होता है, गाय का करण मूल्य बताइए कैसे निकालोगे। भाई 100 रुपये की हमारी 100% हमारी गाय थी, 20 की हानि मतलब 80 रुपये में उन्होंने गाय को बेच दिया, और उधर 48 रुपये वो करते हैं 1% बराबर 48 बटे 80, 100% में गाय उन्होंने चाहिए, तो 4800 बटे 80 इंटू 100 0 से 0 भाई 8 से 48 यानी कि 6000 रुपये गाय का मूल्य क्या था, 6000 रुपये गाय का उसके मूल्य क्या था, 6000 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपये है, एक वस्तु का क्रय मूल्य
3600 रुपये है। उसे उसे 15% के लाभ पर, अरे बेचा गया ठीक है दोस्तों। यदि बेचा गया, यदि उसको 8% छूट दी, 8% छूट दी जाए, यदि उस पर 8% छूट पर बेच, यदि यदि उसे 8% छूट पर बेचा जाए तो क्या होगा, बेचा जाए 8% छूट पर बेचा जाए तो क्या होगा। ठीक है देखो, 15% लाभ बेचा तो 100 रुपये की चीज थी हमारी, ठीक है 100 बराबर 3600 रुपये थे, 1% बराबर होगा 3600 बटे 100। तो अब देखो 15% लाभ पर बेचा 115 100 में जोड़ेंगे, ठीक है तो 360 बटे 100 मल्टीप्लाई करोगे ₹4,040 आ गए। अब ये जो वस्तु का 115 था, ये 4,040 रुपये में इसने बेच दिया, 4,040 रुपये। अब कह रहा 8% छूट मिल जाएगी, यदि उसे 8% की छूट मिल जाए तो क्या होगा। ठीक है अब ये अपने आप में 100% हो गया, अब 4,040 अपने आप में 100% हो गया। अब इसे अगला क्या कर रहा है, अगला उसे वापस बेच रहा है कितने में, 8% लाभ पर, चलिए 8% छूट दे रहा है इस पर, यानी 100 रुपये में चीज़ पर 8% छूट दे रहा है, तो समझो यानी कि 8% छूट दे रहा है मतलब राउंड में तो बेच रहा है उसे, 8% छूट दे रहा है मतलब राउंड में तो उसको बेच रहा है, 8% छूट दे रहा है, 8% छूट दे रहा है अगला -8, तो यानी कि अब इस 100 नीचे चले जाएंगे तो 1% बराबर होगा 4,140 बटे 100, 8% छूट दे रहा है यानी कि प्राण बेच रहे हैं तो नारायण। ठीक है दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे इसको ये 8% ब्रांड उस पेज है तो 1% बराबर हो 4,040 8% छूट देना उसके लिए 45 रुपये मिल जाएगी। ठीक है